हालात जब खराब होने शुरू हुए, क्या वजह मानी जाए कि शेख हसीना की सरकार इन हालातों पर काबू पाने में विफल हो गई? पल्लवी जी, देखिए हालात जो हैं ऐसे होता है कि जब हालात ऐसे खराब होने शुरू होते हैं, पहली बात तो ये है कि जब उसके अंदर आपका एक लेफ्टिस्ट एलिमेंट है जो पैसा है चीन से आ रहा है, और जो उसके अंदर जो इंस्टिगेटर्स हैं वो ऐसे हैं घुसे हुए, क्योंकि देखिए आम जनता को पता नहीं लगता कि कौन इंस्टिगेटर है, तो ये बाद में पता लगता है जनता को कि ये लोग जो हैं एंटी नेशनल लोग हैं जो फंडेड दूसरे मुल्क से हैं। तो ये जो चीज है ये एकदम हुई, और मेरे को लगता है इसमें जो है जो फेलियर हुआ है हसीना की गवर्नमेंट का वो ये है, उनकी इंटेलिजेंस जो है उसका फेलियर हुआ है कि वो इसको नहीं भांप सके कि इस एजिटेशन के अंदर इस हिसाब से चीजें होंगी। तो ये हाथ से निकल गई उनसे, ये चीज कंट्रोल नहीं हुई, और जिसकी वजह से ये सारा का सारा आज ये उनको रिजाइन करना पड़ा। अगर यही चीज जब ये शुरुआत में जब ये चल रहा था उस टाइम के कर्फ्यू लगा देते, इमरजेंसी लगा देते, वहां पे फौज ले आते, तो ये सारा का सारा एकदम कंट्रोल हो जाता। पर अब मुश्किल है क्योंकि अब तो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, अब उसके बाद में क्या होगा, क्या मार्शल लॉ लगता है वहां पे या नहीं लगता है, क्या होगा ये तो अब आने वाले टाइम ही बताएगा।